फिल्म की शुरुआत एक खंडर से होती है जो कि बिल्कुल सुनसान होता है, जहाँ पर तीन लोग किसी खास चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनका एक फ्रेंड होता है, जिसमें हस्बैंड का नाम जेम्स होता है और उसकी वाइफ का नाम ओलिविया होता है। ये यहाँ पर एक किताब को ढूंढने के लिए आए होते हैं जिसका नाम होता है बुक ऑफ डार्कनेस, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जेम्स अपनी बेटी को खो चुका है और शायद वो इस बुक की मदद से अपनी बेटी को जिंदा कर सकता है और इसीलिए वो यहाँ पर आया होता है। ये एक तरह का प्राचीन टेंपल होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। अब अंदर जाने पर इन्हें काफी खतरनाक रास्ता मिलता है, जिसे पार करते हुए ये खंडर की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज और उनकी हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसके बाद जेम्स को वो बुक मिल जाती है और वहीं उसकी वाइफ ओलिविया को और उसके फ्रेंड को इस पहाड़ी के नीचे एक नदी दिखती है जो कि बहुत अजीब थी क्योंकि उसके ऊपर बादल तैर रहे थे। और जेम्स इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ किताब में ही लगा होता है और क्योंकि उनका दोस्त उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था इसीलिए जेम्स उसे शूट कर देता है। और अब जेम्स इस किताब में लिखे एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है, जिसे फॉलो करते हुए वो अपनी वाइफ को वहीं पर लेटा देता है जहाँ पर से उसने किताब उठाई थी। और ठीक ओलिविया भी ऐसा ही करती है क्योंकि वो भी चाहती है कि उसकी बेटी जिंदा हो जाए। और अब जेम्स मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन जेम्स के मंत्र पढ़ते ही तबाही मचनी शुरू हो जाती है, ये पूरा शहर तबाह होना शुरू हो जाता है और ये जगह भी टूटकर अब गिरने लगती है। और तभी जेम्स के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है जिस कारण से वो हिल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी वाइफ ओलिविया को कहता है कि इस किताब को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर मूवी स्विच होती है प्रेजेंट में, जहाँ पर ओलिविया एक सपने से उठती है और उस दिन के हादसे के बाद से उसे हमेशा ही डरावने सपने आते रहते हैं और ना ही उसने उस किताब को उस दिन के बाद से देखा था जबकि वो उस किताब को वहाँ से बाहर लेकर आ गई थी। और इसी बात को उसे सबसे बड़ा डर होता है कि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि किसी को मौत के द्वार से वापस लाना इस दुनिया के नियमों के खिलाफ है, लेकिन इस बुक के जरिए कोई फिर से अपनी जिंदगी को पा सकता है। जिसके बाद हम सरगे नाम के डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसने अपना भेस बदल रखा होता है क्योंकि वो एक किलर की तलाश में होता है जिसने तीन लड़कियों को बहुत अजीब तरीके से मार दिया होता है। पर डिटेक्टिव सरगे शहर के लोगों द्वारा पकड़े जाते हैं और अब लोग उन्हें यहाँ पर मारने वाले ही होते हैं कि तभी उसका दोस्त फियोडोर यहाँ पर पहुंच जाता है और क्योंकि वो एक ऑफिसर होता है तो सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और वही शहर के दूसरी तरफ हम एक और मर्डर को देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया होता है, साथ ही साथ उसका दिल भी निकाल लिया होता है। और उस लेडी के पास से उन्हें एक अंडा मिलता है जिस पर उन्हें एक रिचुअल का साइन मिलता है, जिससे समझ जाते हैं कि इस लड़की को भी उसी ने मारा होगा जिसने पहली तीन हत्याएं की हैं। सरगे यहाँ पर यह भी बताता है कि यह किलर सिर्फ लड़की को ही अपना शिकार बनाता है और एक पैटर्न में उन्हें मारता है। जिसके बाद सरगे और फियोडोर इस अंडे को एक साइंटिस्ट के पास लेकर जाते हैं और उसी अंडे को देकर पूछते हैं कि यह क्या है, जो ये बताता है कि एक हेल्दी सिंबल है यानी कि इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। पर यहाँ पर वो ऑफिसर वहीं पर लगे एक पोस्टर पर देखता है बिल्कुल सेम ऐसा ही सिंबल जो कि एक शो का पोस्टर होता है, जो शो ओलिविया का शो होता है। जिसके बाद ये इस केस को सॉल्व करने के लिए और अपनी क्यूरियोसिटी के चलते इस शो को देखने के लिए जाते हैं। और अब यहाँ पर ओलिविया अपना हैवी मैजिक शो दिखाती है जिसमें वो अपने खाली हाथों से आग निकालने के बाद किसी भी मरे हुए आदमी से बात करा सकती थी। दरअसल ओलिविया के पास खास तरह की शक्ति होती है जिस कारण से वो आत्माओं से बात कर सकती थी। पर यहाँ पर ऑफिसर बेस्ली को और साइंटिस्ट को ये एक मजाक लगता है और वो दोनों यहाँ पर हंसने लगते हैं। और ओलिविया अपनी शक्तियों की मदद से उसी सिंबल को क्रिएट करती है जिससे वो एक न्यू वर्ल्ड का द्वार ओपन कर देती है, जिसकी मदद से वहाँ पर उपस्थित सभी लोग अपनी फैमिली की आत्माओं को देख सकते थे। सरगे को भी यहाँ पर अपनी वाइफ की एक झलक दिखती है, पर बाहर आकर भी सरगे को विश्वास नहीं आता कि ये सच था। और घर पर जाने के बाद वेस्ली किसी लेडी को बहुत सारे पैसे देते हैं और साथ ही साथ उसे ये भी बताते हैं कि वो इस बारे में किसी से न कहे। पर जैसे ही वो लेडी यहाँ से बाहर निकलती है वो सीरियल किलर उसे पकड़ लेता है और उसे खींचकर एक तहखाने में ले जाता है, जहाँ पर हम उसी किताब को देखते हैं जहाँ पर वो इस किताब के रिचुअल को फॉलो करते हुए किसी की बलि दे रहा है। और वहीं अगले दिन फियोडोर और सरगे को एक खास क्लू मिलता है कि किसी आदमी ने एक लाश को एक लकड़ी की बैलगाड़ी में जाते हुए देखा है और उस आदमी को रास्ते के बारे में पता होता है कि वो लकड़ी गाड़ी कहाँ गई। और इधर सरगे को भी एक खास बात पता चलती है कि ये सीरियल किलर अपने सिंबल के हिसाब से मर्डर कर रहा है। और अब उसी पैटर्न को सॉल्व करते हुए इन्हें एक और लाश मिलती है जिसकी आंखें निकाल ली गई होती है। जिसके बाद सरगे अब सीधा ओलिविया की तरफ जाता है और उसे अपनी वाइफ की रिंग देकर पूछता है कि मेरी वाइफ की आत्मा से पूछो कि उसकी मौत कैसे हुई, जो कि उस किलर की लास्ट विक्टिम होती है। और वो ऐसा झूठ बोलता है ताकि ओलिविया कंफ्यूज हो जाए। पर ओलिविया सरगे को बताती है कि मैं आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे सवालों के जवाब दे या न दे ये उसकी मर्जी है। पर सरगे कहता है तुम फिर भी करो। और अब ओलिविया रिचुअल स्टार्ट करती है और चारों तरफ सारे सामान हिलना शुरू हो जाते हैं और वो ठीक ठीक पिछली विक्टिम की सारी सच्चाई बता देती है, जबकि अंगूठी सरगे की वाइफ की होती है और पिछले विक्टिम से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है, जिससे सरगे ओलिविया को रंगे हाथों पकड़ लेता है कि वो सबको बेवकूफ बनाती है। जिसके बाद सरगे ओलिविया को सारी लाशें दिखाता है और कहता है कि इन सभी का मर्डर तुमने ही किया है। एंड यहाँ पर वो उसे अरेस्ट कर लेता है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये हत्यारा अभी खुलेआम घूम रहा था और वो यहाँ पर एक नई लड़की को डुबाकर अपना शिकार बना रहा था। और इस बात को ओलिविया भी अपनी शक्तियों से देख लेती है, जिसके बाद वो सरगे को सारी सच्चाई बता देती है और साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि ये मौत कहाँ पर हुई है। पर सरगे यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसे ऐसे जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद ओलिविया अपनी शक्तियों की मदद से उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उस सीरियल किलर ने उस लड़की को मारा होता है और वो ये सच्चाई सरगे के सामने भी लाती है, लेकिन सरगे को अभी विश्वास नहीं आता और वो इसमें ओलिविया का ही हाथ बताता है। पर इसी मोमेंट पर ओलिविया को एक दूसरी लड़की का विजन दिखता है जिसमें वो सीरियल किलर उसे मारने वाला है। एंड यहाँ पर वो सीरियल किलर के हाथों पर एक स्नेक का टैटू देखती है, जिसके बाद ओलिविया उस टैटू को कागज पर बना देती है, जिसे देखते ही फियोडोर कहता है कि मैंने इस टैटू को देखा है और मैं जानता हूँ कि वो आदमी कहाँ मिलेगा।
जिसके बाद जल्दी से उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पर ये आदमी यहाँ पर बताता है कि वो सीरियल किलर नहीं है, ना ही उसने किसी को मारा है, पर साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने सीरियल किलर को देखा है किसी लड़की की लाश को ले जाते हुए। मैंने यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश की पर मैं उसे नहीं पकड़ पाया, पर उसके पास से मुझे एक घड़ी मिली, जिसके बाद उस घड़ी की डिटेल निकालने के बाद पता चलता है साइंटिस्ट वेस्ली की है, जिसके तुरंत बाद पुलिस उनके घर पर जाती है और चारों तरफ तहकीकात करने लगती है, जहाँ पर उन्हें ताजा खून से सने हुए हथियार और कपड़े मिलते हैं और अब साइंटिस्ट वेस्ली को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। साइंटिस्ट वेस्ली यहाँ पर कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब एक चाल है। और वो यहाँ पर बताते हैं कि ये खून उन्हीं के पेट का है जो एक मैजिक रिचुअल के चलते मारा गया। और रही बात मेरी वॉच की, तो ये मैंने अपनी नौकरानी को दे दी थी ताकि उसका मुंह बंद रहे, लेकिन उसी दिन वो शिकार हो गई उस सीरियल किलर की, और इसीलिए उस सीरियल किलर के पास मेरी घड़ी थी। और जल्दी ये साबित भी हो जाता है कि वेस्ली सच बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन शहर में पहला मर्डर हुआ था वो शहर में नहीं था, और भी कई तरह के सबूत मिल जाते हैं जिससे साबित होता है कि वेस्ली ने मर्डर नहीं किया है। और वहीं ओलिविया की बातों पर सर्गे अब विश्वास करने लगता है, क्योंकि ओलिविया की सारी प्रेडिक्शंस सही निकलती है। और अब ओलिविया सर्गे को ये बताती है कि इस शेप के अनुसार 9 लड़कियों को मारेगा, जिससे कोई स्पेशल रिचुअल पूरा होगा, जिसमें शेप के 5 तरफ जिसमें ऐसी डेथ्स होंगी जिसका दिल निकाल लिया गया होगा, किसी की आंखें नहीं होंगी, और 5 डेथ के बाद 6th डेथ पानी में डूबोकर की जाएगी, 7th डेथ धरती में दफनाकर की जाएगी, 8th डेथ हवा में उड़ाकर मारी जाएगी, और 9th डेथ आग में जलाकर मारी जाएगी। जिसके बाद धीरे धीरे ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब एक दिन ओलिविया अपने पास्ट के बारे में सर्गे को बताने लगती है कि मेरा बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था, मेरी शक्तियों की वजह से मेरे घर वाले और आसपास में रहने वाले मुझे एक चुड़ैल मानते थे, और यहाँ तक कि खुद मेरे पिता भी ऐसा ही मानते थे। जिसके बाद मैं उस जगह को छोड़कर वहां से चली गई, और फिर मेरी मुलाकात हुई जेम्स से, जो पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता था, पर कुछ टाइम बाद वो हर रोज मुझे परेशान करता था, जिसके बाद सिर्फ मेरा सारा मेरी बेटी थी, लेकिन जल्दी वो भी मर गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन जेम्स तो जैसे पागल ही हो गया था। और अब सर्गे ओलिविया को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, और डिलीवरी के टाइम डॉक्टर मुझे बताते हैं माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, और मैंने इस फैसले में देर कर दी, जिस कारण दोनों ही मारे गए। और इसी बातचीत के बीच ओलिविया को एक लड़की जमीन में गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो किलर अपने काम पर लग गया था, जिंदा ही जमीन में दफना देता है। और ये दोनों से ढूंढते हुए एक शमशान में पहुंच जाते हैं, पर जब तक उस लड़की के पास पहुंचते हैं वो मर चुकी थी। और यहीं पर सर्गे सब कुछ ध्यान से चेक कर रहा होता है कि तभी वो सीरियल किलर ओलिविया को अपने साथ ले जाता है। सर्गे तुरंत उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और काफी दूर तक उसका पीछा करता है, बट वो किलर उसके हाथों से निकल जाता है। और वहीं फियोडोर उस सीरियल किलर की तस्वीर की मदद से उसे ढूंढ रहा होता है, और फियोडोर उसे ढूंढता एक हवेली की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन तभी उस पर एक आदमी हमला कर देता है जो उसे जान से मारने वाला ही होता है। और वहीं ओलिविया भी अब खतरे में होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है, और यहाँ पर कैद आत्माएं उसे बुरी तरीके से परेशान करने लगती हैं। ये उन्हीं लड़कियों की आत्माएं होती हैं जिन्हें सत्यारी ने पहले मार दिया होता है। इसीलिए ज्यादा देर न करते हुए ओलिविया यहाँ से उस बुक को लेकर भागने लगती है, और ये वही हवेली होती है जिसके बाद फियोडोर बाहर पकड़ा गया था। और अब फियोडोर भी अपना पीछा छुड़ाकर उस आदमी से यहाँ पर आ जाता है, पर यहाँ पर वो किलर इन पर हमला कर देता है। और वहीं सर्गे इन्हें हर जगह अपनी टीम के साथ ढूंढ रहा होता है, और जल्दी उसे एक लाश मिलती है जो कि उसी के दोस्त की होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। ये बली इस किलर ने हवा में दी होती है, जिसके बाद सर्गे हवेली के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की की लाश और मिलती है, और ये लड़की यहाँ पर जेम्स की बेटी होती है। जिसके बाद सर्गे आसपास जांच करने लगता है, और उसे वही बुक दिखती है जिसके अंदर आग में बलि देने का जिक्र होता है, यानी कि यह आखिरी बलि होगी। साथ ही साथ यहाँ पर वो जगह भी होती है जहाँ पर किलर यह आखिरी बलि देगा, जो कि शहर के बीचों बीच नए साल के दिन होगा। और सारी भीड़ के सामने ओलिविया को बीचों बीच बांध दिया जाता है उसकी बलि देने के लिए। और अब यहाँ पर किलर का फेस रिवील होता है, जो कि और कोई नहीं ओलिविया का हस्बैंड होता है। दरअसल वो उन पत्थरों के गिरने से नहीं मरा था, बल्कि थोड़ी देर बाद खुद वहाँ से बाहर निकल गया था, और सबके सामने ही वो ओलिविया की बलि देने लगता है। लेकिन सर्गे तुरंत वहाँ पर आकर जेम्स को शूट कर देता है, और चारों तरफ आग फैल जाती है जिसमें जेम्स खुद ही मर जाता है, और ये रिचुअल पूरा हो जाता है और उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन अब भी ओलिविया साग में फंसी हुई थी, पर एन मौके पर सर्गे उसे बचा लेता है, और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।